अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग जो है, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के बारे में है। हम लोग जो है आज रोल समोसा वगैरह बना रहे हैं। हाँ, मेरे घर, एक्सक्यूज मी, मेरा घर भी है ये। मैं क्या आई हूँ, तो हम जो है हर साल यही होता था कि जब रमज़ान आता था तो हम लोग एक रात पूरी लग के जो है प्रॉपर सारे रोल समोसे और भी चीज़ें बनाते हैं। तो आज आप लोग को भी दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं। और माहिर बहुत एक्साइटेड है, उसको बस दिल कर रहे हैं कि मैं रोल पट्टियाँ लेके शुरू हो जाऊँ। और साथ में जो रोल का सारा आधा काम मैं कर चुकी हूँ। एक्साइटेड है कि वो अपने घर से यहाँ आ गई है रोल बनाने। बिल्कुल, ये मेरे स्पेशल है। और मैं मैडम बन के बैठी हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी रमजान में अच्छा ये एक महीने तक मम्मा मैडम बन के बैठी रहेंगी। ये जो है ना फन फैक्ट है कि मम्मा ने कभी भी अवतारी नहीं बनाई, क्योंकि हमेशा मैं और माहिर इतने जज्बात थी, हमें किचन में जाने का इतना शौक था हमेशा कि हम लिटरली आई थिंक 11 या 12 साल की उम्र से हम लोग अवतारी बना रहे हैं। और सैल्यूट है मम्मा लोग को भी कि उल्टी सीधी अवतारी खाया करते थे। उल्टी सीधी बनाते बनाते तो फिर यही वाली बात है कि जो है ना हमारे हाथ में इसलिए इतना टेस्ट है। फरवा अभी तारीफ करती कि वरीशा इतने मजे के खाने बनाती है, आपको क्या खिलाती थी। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं बना। तुमने कब खाया मेरे खाने? अरे वो मेरे बैठा है ना, मुझे मम्मा मैंने आप खिलाए हैं। नहीं, आपने खिलाए हैं, मगर अब तो माशाल्लाह आपने अज्जू भाई को खिलाने के लिए है। हाँ। कि अज्जू भाई के लिए वो पता नहीं कौन सा किसने बनाया था, राइस और चिकन सब उनको खिला देख देख के। और मैंने कहा घर में वैसे कुछ खास मतलब करती थी वरीशा, मगर ऐसा नहीं, अब तो जहर अपने घर में तो बुराइयां कर दिया। प्लीज टेक माय रिएक्शन, हम लोगों ने बहुत सारी बुराइयां करी हैं और जो बुराइयां हो चुकी हैं और वो अब दब चुकी हैं जमीन पे। अच्छा, उसके साथ एक गुड न्यूज भी है जिसके बारे में मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं जो हूँ इंस्टाग्राम पे वेरीफाई हो चुकी हूँ, मेरा ब्लू टिक आ गया, मैं फेसबुक पे भी वेरीफाई हो चुकी हूँ। ऐसा लग रहा है अल्लाह मियां एक ही दिन पे सारी। मैं उन्होंने बोला आज तुम रोल समोसे बनाओगी ना, उसका मैं तुम्हें पहले से गिफ्ट दे रहा हूँ, वेरिफिकेशन बैच। और उसके लिए फरवा हमारे लिए अज़ू ब्रो ने कहा यार मेरी बेगम अकेले है, मेरी बेगम अकेले है, मैं क्या करूँ, कोई जो है वो होना चाहिए ना सेलिब्रेट करने का। मैं आके अलग सेलिब्रेशन करूंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं हूँ उनकी वेरिफिकेशन सेलिब्रेट की जाए। तो ये फरवा जो है अच्छा बहुत फनी बात बताती हूँ अभी आप लोग को। पापा पूछ रहे कि इस वेरिफिकेशन का फायदा क्या है। अमाउंट डबल 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 डबल। अच्छा भाई मुझे वीडियो में लेके आते हैं और वही टी शर्ट भाई नाइट सूट तो एक ही होता है भाई। भाई ये माहिर ने ना नई अलमारी बनाई है, कम से कम जो है एक डीप फ्रीज, दो डीप फ्रीजर के साइज की, तो इसके अंदर मोतर को उसने बंद कर दिया। लॉग हो चुकी है माहिरी भाई, चलो हम खोल देते हैं। हेलो पीकाबू, मेरी अलमारी आप चेक करें, काफी एक्सपेंसिव अलमारी बनवाएंगे मैंने, प्लीज अप्रिशिएट। अब छुपन छुपाई खेलने के लिए बनाई है ना, सही बताओ। अच्छा भाई यहाँ पे जो है स्प्रिंग अनियंस है, अंडे हैं, आलू है जो की एक ही जैसे लग रहे हैं, बंद गोभी है, चिकन है, ये मेरी चीजें चुरा रहे हैं। फरवा जो है कोई रोल बनाने लगी इनसे, लेकिन हम आधे आलू और आधे चिकन ले रहे हैं क्योंकि मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनता है, बहुत सिंपल है और बहुत मजे के बनता है। यहाँ पे इन सबको मस्तियाँ चल रही हैं, आप लोग खाना बना रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मेरा भी ब्लॉग बना लो एक दो। तो ये लोग खाना कम मस्ती ज्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे वो अपने आलू चिकन लेके बैठ गई हैं। मैं सबसे ज्यादा ये लोगों ने मेरी मेहनत को आके वेस्ट की। यस, ये देखिए आलू चिकन रोल अपना। अच्छा, ब्रेड रोल बना रही हूँ मैं, ये ब्रेड रोल ये जो है ना मैंने इसमें आलू डाली है, सही है, ठीक है, चिकन श्रेड करके डाली, थोड़ी सी मैंने स्प्रिंग अनियंस भी डाल दी है, सही है। फिर इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च, इसमें डालेंगे हम नमक, सही है, और रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, दैट्स सही है, सिर्फ तीन मसाले। आहिर आप क्या कर रही हो?
यार मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ समथिंग पिज्जा, समथिंग पिज्जा पिज्जा ब्रेड। बताऊँ क्या करूँ मैं अभी, मे के साथ ना थोड़ी थोड़ी वो सब्जी डाल दूँ रोल। इसमें मैंने डाली है बॉइल जो है बॉइल पोटैटोस जी, बॉइल एग, ओके चिकन और ये बंद गोभी। बंद गोभी या इस कैबेज नहीं है जी, या इस कैबेज नहीं है? नो इट्स नॉट आई। अच्छा नहीं वो नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास आलू उबल रहा है या कुछ तो हो रहा है। और यहाँ पे ऑफकोर्स मैं हूँ जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा है व्लॉग्स बनाने में। अच्छा मुझे जो है ना नमक तो मैं डाल रही थी लेकिन मुझे ये भी दिख गया चिकन पाउडर, तो चिकन पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें खुद का भी नमक होता है। और ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ अपना। ओके बहुत सब अंदाज है, सही है, कोई मेजरमेंट नहीं है इसकी। यहाँ पे सबके अलग अलग मसले चल रहा कुछ पिज्जा के बॉक्सेस बता चुकी हूँ, डब्बे बना रही हूँ बेचने के लिए वो सब्जियाँ। ये वो कीमा है और ये सारी सब्जियाँ और कीमा को हमने मिक्स कर दिया है। ये आपने ये क्यों इतने बड़े बड़े रखे हैं इसमें? क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होना चाहिए ना, बाकी मैंने बहुत छोटे छोटे कर दिए थे। हाँ तो फिर इसको हम लोग चीज के साथ मिक्स ब्रेड में कटिंग करके ब्रेड या रोल पट्टी ब्रेड में मैं सोच रही थी रोल पट्टी। चलो जैसे आप बोलो भाई। आप ये देखें कितनी प्रोफेशनल बच्ची हैं ये। बिस्मिल्लाह प्रोफेशनल काम चोर है जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है। और मोतर ग्लव्स पहन के ये निंजा टेक्निक है काम करने की। और ये सारे मैंने करे हैं, ये सारे प्राउड ऑफ यू। अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेगेटी बॉयल होने के लिए चढ़ाई है क्योंकि हमने स्पेगेटी के रोल्स भी बनाने हैं। भाई मैं थक गई हूँ काम कर करके और पापा मुझे मसाज दे रहे हैं। ये जो है हम स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, मैंने थोड़ा इसमें चिकन में तंदूरी मसाला डाला, सब्जियाँ डालते हैं। ओके स्पेगेटी रोल्स का मसाला तैयार है। इसके अंदर हमने डाला है स्पेगेटीज ऑब्वियसली, बंद गोभी डाली थी और शिमला मिर्च गाजर एंड थोड़ी सी हरी प्याज डाली है। मसाले को ज़्यादा इसमें नहीं डाले हैं हम लोगों ने, सिर्फ थोड़ा सा चिकन पाउडर और काली मिर्चें क्योंकि जब मैं चिकन वो कर रही थी तो मैंने तंदूरी मसाला डाल दिया था तो उसका भी अपना फ्लेवर है। भैया अब इसके रोल्स बनेंगे आधे आधे काट के। नहीं आई थिंक नहीं, यहाँ पे समोसे बन रहे हैं आलू के और ये वॉन्टॉन्स, इनके मसाले मैंने आप लोग को दिखाए नहीं क्योंकि अब हम बहुत थक चुके हैं। आई थिंक रात के 12 बज चुके हैं और अभी भी मुझे एक और चीज़ बनानी है जो कि है आलू चीज़ चिकन बॉल्स। सो अगर हिम्मत हुई तो उसकी रेसिपी ज़रूर दिखाऊंगी, बट आई थिंक अभी KFC आया हमारे, मैंने तो दाल चावल खा लिए थे। इन दो लड़कियों का KFC आया अभी, आए हमारे KFC मंगवा लिया है। ब्लॉक क्लैशिंग भाई ये देख लें परीक्षा जो है चीज बॉल्स का मसाला है। ये माइली बेचारी से चीज बना रही है। इसको बनाने का तरीका मैं आपको मसाला बताना भूल गई। यू लिया छोटा सा दो चीज का ब्लॉक, बीच में ऐसे चीज का ब्लॉक रखना, सही है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, थोड़ा अगर हाथ पे ऑयल भी हो तो अच्छा है लेकिन मेरा नहीं है। और ऐसे करके बॉल बन गई। ओके गाइस माशाल्लाह अच्छी खासी चीज़ें बन चुकी हैं, आधी दूसरे फ्रीज़र में भी हैं। मैं लिटरली अभी यही दिखाने वाली थी। और क्या कहते हैं मैं इसी के साथ ब्लॉग एंड करूँगी क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। इवन तो अभी भी काम और बाकी है लेकिन ब्लॉग एंड करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान में जितनी रूटीन अपनी दिखा सकूँ क्योंकि रमज़ान की आई थिंक रूटीन काफ़ी देखने में मज़ा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।